खम्मा घणी ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में और मेरी आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल मैं बनाने जा रही हूँ, जो हमारे राजपूती गोल्ड ज्वेलरी होती है उसके ऊपर। तो काफ़ी दिन से लोगों के कमेंट आ रहे थे आप सबके कि जीजा प्लीज़ आप अपनी जो गोल्ड ज्वेलरी है, राजपूती गोल्ड ज्वेलरी, उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल रहेगी राजपूती गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर। मैं आपको अपना सारा कलेक्शन दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ज्वेलरी वर पक्ष की तरफ से आती है और कौन सी ज्वेलरी वधु पक्ष की तरफ से दी जाती है, और बाकी मेरी और जो ज्वेलरी है, रिंग्स वगैरह हैं, उनके बारे में आपको डिटेल शेयर करूंगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे ज्वेलरी मिलती गई, मतलब मेरे पास ज्वेलरी आती गई, उसी तरीके से मैं आपको बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले आता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट, मैं इसे आपको ओपन करके बताती हूँ। ये है वो सेट, बहुत ही प्यारा सा। तो इसे हमारे राजपूती, मतलब जो राजपूती हमारी कम्युनिटी है, इसमें हम इसको चिक बोलते हैं। बाकी ये गले में पहनने का आप नॉर्मल सा एक नेकलेस टाइप भी बोल सकते हैं, बाकी हमारे राजपूतों में हम इसे चिक बोलते हैं। तो इसके साथ ये बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं, और साथ में ये पूरा गले का नेकलेस टाइप है, और ये बहुत ही प्यारी सी एक रिंग है। ये जो चिक का सेट था, ये मुझे मेरी रिंग सेरेमनी जब हुई थी तब मुझे मम्मी है जो, उन्होंने दिया था, मतलब मेरी जो सासू माँ है उन्होंने दिया था। और इसमें जो पर्टिकुलर रिंग है वो मुझे परी के पापा ने इंगेजमेंट के टाइम जब रिंग एक्सचेंज करते हैं तब मुझे रिंग पहनाई थी। और ये जो चिक का सेट है ये मुझे मेरी सगाई में यानी रिंग सेरेमनी में दिया गया था इनकी तरफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चलते हैं। ये देखिए बहुत ही बड़ा सा बॉक्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर में एक्चुअल में है क्या। ओके, तो इस बॉक्स में है मेरी फेवरेट चीज। तो अगर आप गैस कर सकते हैं कि क्या है इसमें जो मेरी फेवरेट है, तो जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या चीज हो सकती है इसके अंदर जो कि मेरी फेवरेट है। तो मतलब मेरी जितनी भी ज्वेलरी है ना गोल्ड की, उसमें मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है ये मेरी। ओके, तो ये है मेरी आर्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी होती है हम राजपूतों में, जो शादी के टाइम, मतलब जब बारात आती है तब वर पक्ष की तरफ से लड़की के लिए यानी कि वधू के लिए लाई जाती है। तो बारात के साथ ही ये आती है और हम इसे पहनकर ही फेरे लेते हैं, जो हमारे फेरे होते हैं, आड़ के बिना नहीं लिए जाते हैं हम आड़। ये हमारा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी तो जैसे कोई भी बड़ा त्यौहार होता है, जैसे दिवाली होती है तो हम इसे ज़रूर वेयर करते हैं, कोई शादी होती है उसमें हम जाते हैं तो इसे वेयर किया जाता है। तो चलिए आपको एक क्लोज लुक दे देती हूँ मैं मेरी आड़ का। अब बारी आती है आड़ के बॉक्स से भी बड़े बॉक्स की। अरे भाई ये बहुत भारी है। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये पूरा बॉक्स मेरे पीहर वालों ने यानी कि मेरे घर वालों ने मुझे शादी में दिया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और उन्हें किस तरीके से वेयर किया जाता है। तो एक बार बॉक्स में देख लीजिए आप किस तरीके से हैं, उसके बाद मैं आपको इनकी अलग अलग
एक एक चीज बता दूंगी किस तरीके से किसका क्या क्या डिजाइन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजू की। तो ये बाजू इस तरीके की कुछ होती हैं। ये मेरी बाजू का डिजाइन है। तो इसको यहाँ से ऐसे करके वेयर किया जाता है यहाँ पे इस वाली जगह पे, और फिर यहाँ नीचे ये जो लॉक है इसको ऐसे ऊपर करके इस तरीके से बांधा जाता है इसको। इसी में बाजू में ही नीचे लूम होती है। तो मेरी ये जो लूम है ये नीतू इतनी पसंद की थी मेरी शादी में, तो ये चांद ऐसे कुछ चांद का सा डिजाइन बोलते हैं आई थिंक इसे। तो ये होती है बाजू बंद। तो ये दो होती हैं दोनों हाथ की, एक एक होती हैं इयररिंग। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब हम इन्हें पहन के घूमर करते हैं बहुत ही प्यारा लुक आता है। नेक्स्ट अब बारी आती है पूंछी की। इन्हें पूंछी बोलते हैं जिन्हें हम आगे यहाँ पे पहनते हैं, सबसे आगे चूड़ियों से भी आगे। तो ये कुछ इस तरीके की होती है, मतलब ये अलग अलग जैसे मैंने अभी आपको बाजू बंद में दिखाया था उस तरीके के मतलब लॉक में भी आती हैं, लेकिन ये जो मेरी वाली है इस तरीके से धागे के लॉक में ऐसे धागा बंद होता है, इसके अंदर लूप में इसे डाला जाता है। तो ये भी बहुत ही प्यारी होती है, ये भी दोनों हाथ की पेयर होती हैं। नेक्स्ट आती हैं बंगड़ी। ये आपने शायद मेरे को काफ़ी टाइम देखा भी होगा मेरी और वीडियोस में, मैं हमेशा पीछे की साइड पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इन्हें यहाँ पे मतलब लास्ट वाला जो आपका चूड़ा होता है उसे छोड़ के फिर पहना जाता है। काफ़ी लोग दो चूड़े को छोड़ के फिर भी पहनते हैं, तो अपने अपनी चॉइस है, बीच में भी आप पहन सकते हैं। तो ये जो पूरा होता है ये गोल्ड की होती है ये पूरी, इसके अंदर ये चूड़ी होती है। और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे हम अगर ये आर्टिफिशियल लेते हैं तो आर्टिफिशियल में जॉइंट नहीं होता कहीं पे भी, चूड़ी की तरह ही होती हैं, सीधा सिंपल आप उन्हें वेयर कर सकते हो। लेकिन ये जो सोने की होती हैं इनमें पेच होता है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पेच इस तरीके से खुलता है, तो ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाती है, फिर आप इसे पहने और इस पेच को वापस से लगा दें।
एक और नथ है गोल्ड में ही, ये भी गोल्ड का है, एक और है गोल्ड का, ये तो मम्मी पापा ने दिया था मतलब मेरे पीहर वालों ने, और एक मुझे गौतम ने भी बनवाया था, वो भी बहुत प्यारा है, बट वो शायद अभी मेरे पास है नहीं, वो किसी को दिया हुआ है शायद से, मैंने देखूंगी अगर मिला तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट बारी आती है मेरी ये गोल्ड की चेन की, ये भी मेरे घर वालों ने मतलब मेरे पापा ने दी थी, गोल्ड की चेन, सिंपल सा इसमें डिज़ाइन है, नॉर्मल जो चेन होती है वैसी है। तो ये जो सेट है इसे मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा इसी को ही मैंने पहना है, मेरी शादी को 3 साल हो गए, और इस सेट के लिए मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी मैसेज आ रखे थे और कमेंट बॉक्स में कि जीजा प्लीज़ इसका डिज़ाइन है वो शेयर करें। तो ये कुछ इस तरीके का है, लॉकेट है ये बीच में, और ये इसकी इयररिंग्स हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल सा सेट है रेड कलर का, ये मुझे नीतू दीदी ने गिफ्ट किया था शादी। मेरी रिंग का कलेक्शन दिखाती हूँ, मेरे पास कौन कौन सी रिंग है। ओके, तो सबसे पहले सबसे छोटी रिंग दिखाते हैं, ये है वो रिंग, बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन है, ये मुझे शायद मेरे मतलब लास्ट बर्थडे पे इन्होंने गिफ्ट की थी, बहुत ही प्यारी सी, मतलब आप डेली यूज़ में भी इसे वेयर कर सकते हैं, तो मैं काफ़ी टाइम मेरा मन करता है तो मैं डेली यूज़ में पहन लेती हूँ, नहीं तो कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जाना होता। आपको एक तो जो झाले थे जो शादी में आए थे वो दिखा दिए मैंने, बड़े वाले थे, एक मेरे चिक वाले सेट के साथ हैं कानों के, और एक जो नीतू दीदी ने गिफ्ट किया था रेड कलर का जो लॉकेट वाला सेट है उसमें है, और एक है ये वाले, ये बहुत ही प्यारे हैं बट मैं इन्हें पहन नहीं पाती क्योंकि इनके जो पीछे की जो मतलब होता है ना, जो मतलब पहनने का होता है कान में, वो काफ़ी मोटा है, तो जब मेरे कान के छेद थोड़े से बड़े हो जाएंगे तभी ये मुझे आ पाएंगे। बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं, ये देख पा रहे हैं आप, तो ये जो इयररिंग्स हैं ये मुझे जो बड़े जीजा हैं मतलब परी के पापा के जो बड़े सिस्टर हैं उन्होंने मुझे शादी में मुंह दिखाई के टाइम गिफ्ट किए थे। ये ओके, नेक्स्ट जो डेली यूज़ में मैं पहनती हूँ, आपने काफ़ी टाइम शायद देखा भी होगा मेरी वीडियोस वगैरह में, आपको देखने को मिला होगा, ये मेरे जो डेली यूज़ के कानों की हैं वो हैं, ये पहनती हूँ मैं घर में, इन पे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, इस तरीके के हैं ये, बहुत ही प्यारे से, मतलब डेली यूज़ में बहुत सही हैं ये, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ इनमें।
बारी आती है मेरी मंगलसूत्र की। मेरे मंगलसूत्र का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा है। मतलब काफ़ी लोग शादी के टाइम से, शादी के बाद से, जब से मुझे इन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो मतलब शादी के बाद से ही पीहर साइड में भी और इधर ससुराल में भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि आपने ये डिज़ाइन कहाँ से बनवाया। तो ये मेरा मंगलसूत्र है, बहुत ही प्यारा सा। तो अब नेक्स्ट मैं आपको हथपुल के बारे में बताना चाहूँगी। ये कुछ इस तरीके के होते हैं जिसमें 5 अंगूठियाँ होती हैं। आजकल मतलब लड़कियाँ 1 या 2 अंगूठियाँ भी बनवा लेती हैं, तो ये जॉइंट होती हैं सारी, बीच में एक फूल होता है। तो मेरे पास हथफुल नहीं है, इस वजह से मैं आपको पिक्चर की हेल्प से बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके के हमारे हथफुल होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊँ दिवाली के बाद। मैं ट्राई करूँगी टाइम मिलेगा जब बनाने की, कि किस तरीके से किस ज्वेलरी को कहाँ कहाँ पे वेयर किया जाता है, किस तरीके हम पोशाक पहनने के बाद किस तरीके से आर्ट पहनते हैं, आर्ट कहाँ पे पहनी जाती है, या शीश फूल है या राखड़ी है, कहाँ पे किस तरीके से वेयर की जाती है। तो पूरी राजपूती ज्वेलरी किस तरीके से वेयर करें, इसके ऊपर भी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अभी दिवाली की सफाई वफाई में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खमागणी।